नमस्कार, वेलकम टू अवर चैनल स्टॉक मार्केट विजार्ड्स। आज के वीडियो में वीआईपी इंडस्ट्री लिमिटेड शेयर का डिटेल्स में टेक्निकल एंड फंडामेंटल को एनालिसिस करेंगे। स्टॉक का प्राइस में किस टाइप का टेक्निकल चार्ट सेटअप बन रहा है एंड आने वाले टाइम में क्या प्राइस मूवमेंट हो सकता है। उससे पहले अगर अभी तक आप स्टॉक मार्केट विजार्ड्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज विजार्ड्स किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले या एनालिसिस करने से पहले आपको पता होना चाहिए उस स्टॉक का सेक्टर क्या है एंड इंडस्ट्री क्या है। अगर आप स्टॉक का सेक्टर देखें प्लास्टिक प्रोडक्ट्स का एंड इंडस्ट्री मोल्डेड लगेज का, जैसे कि स्टॉक का जो मार्केट कैप है अराउंड 7460 करोड़ का एंड इस कंपनी के पास जो रिजर्व कैश है नियरली 687 करोड़ का, करंट प्राइस चल रहा है 527 एंड बुक वैल्यू अवेलेबल है 50 के आसपास। इंडस्ट्री पी है 62 एंड स्टॉक आप यहाँ पे अवेलेबल है 75 के आसपास। डेप्ट इक्विटी 0.75 जो कि मैनेजेबल है, किसी भी स्टॉक का डेप्ट इक्विटी बिलो 1 आप उसको मैनेजेबल कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे 51.8% जो कि अबव 50% मार्क है, जिसको पॉजिटिवली यहाँ पे कंसिडर हम कर सकते हैं। लास्ट 5 ईयर का रिटर्न 2%, लास्ट 3 ईयर का रिटर्न 14% और लास्ट 1 ईयर से स्टॉक का प्राइस यहाँ पे -8% रिटर्न डिलीवर किया है। अगर लास्ट 5 ईयर का रिटर्न देखेंगे लगभग यहाँ पे फ्लैट है और स्टॉक का प्राइस में जिस टाइप का चार्ट स्ट्रक्चर शो कर रहा है लुक्स लाइक आने वाले टाइम में इसमें बड़ा मूवमेंट आ सकता है, जो कि आगे हम चार्ट में एनालिसिस करेंगे। अगर अभी हम क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस के ऊपर सेल्स एंड नेट प्रॉफिट देखेंगे तो देखिए सेल्स एंड नेट प्रॉफिट यहाँ पे ग्रोथ जो है लगभग फ्लैट है एंड नेट प्रॉफिट देखेंगे, नेट प्रॉफिट अगर प्रीवियस क्वार्टर के साथ कंपेयर करेंगे यहाँ पे डाउन हुआ है, क्योंकि प्रीवियस क्वार्टर में यहाँ पे था 13 करोड़ एंड डिसंबर क्वार्टर में अभी जो लेटेस्ट क्वार्टर है 7 करोड़ का है, तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे डाउन हुआ है लेकिन सेल्स का जो ग्रोथ है लगभग फ्लैट है। जैसे कि हमको पता है कि प्राइस हमेशा से फ्यूचर को डिस्काउंट करके चलता है एंड जिस टाइप का प्राइस यहाँ पे मल्टी ईयर का सपोर्ट के आसपास ट्रेडिंग कर रहा है लुक्स लाइक आने वाले टाइम में आउट परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अगर आप प्रमोटर का होल्डिंग देखेंगे यहाँ पे 52% FI यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं, 7.5% DI के पास माल है 12.84% एंड पब्लिक यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं 28% जो कि रेड फ्लैग है। किसी भी स्टॉक में रिटेल पार्टिसिपेशन में अबव 20% आप उसको रेड फ्लैग कंसिडर कर सकते हैं एंड इस स्टॉक में तो यहाँ पे रिटेल होल्ड कर रहे हैं 28% के आसपास, क्योंकि यहाँ पे कोई भी बिग इन्वेस्टर इन्वेस्टेड नहीं है जो कि एक रेड फ्लैग है। लेकिन स्टॉक का प्राइस एक मल्टीयर का सपोर्ट के आसपास ट्रेडिंग कर रहा है, लुक्स लाइक आने वाले टाइम में अब मूवमेंट आ सकता है। तो चलते हैं अभी चार्ट के ऊपर। जैसे कि आपके स्क्रीन के सामने देखे जो चार्ट ओपन हुआ है ये ओपन है वीआईपी इंडस्ट्री का, टाइम फ्रेम सिलेक्ट हुआ है मंथली। अगर आप इस स्टॉक का चार्ट सेटअप देखेंगे प्राइस देखे ईयर 2013 के आसपास बॉटम फॉर्मेशन किया था, उसके बाद देखे प्राइस जब भी इस रेड लाइन को टेस्ट कर रहा है प्राइस उसी लेवल से मल्टीपल टाइम डिमांड देखने को मिला है। इसका मीनिंग है कि जो रेड लाइन जा रहा है ये हो गया मल्टी ईयर का एक मोमेंटम लाइन यानी मल्टी ईयर का एक ट्रेंड लाइन, जिस लेवल को देखिए प्राइस यहाँ पे टेस्ट करने के बाद यहाँ पे बाउंस किया है। ये तो हो गया मंथली स्ट्रक्चर। अगर अभी हम वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे एग्जैक्टली देखिए वीकली टाइम फ्रेम वही मल्टीयर का सपोर्ट से प्राइस अभी बाउंस कर रहा है, जिस लेवल से प्राइस देखिए यहां पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया था एंड फाइनली जब भी प्राइस इस लाइन को टेस्ट किया है देखिए इस टाइप का अप मूवमेंट देखने को मिला है एंड हाई प्रोबेबिलिटी कि प्राइस इस लेवल को टेस्ट करने के बाद जिस टाइप का बाउंस कर रहा है आने वाले टाइम यहां पे बड़ा मूवमेंट आ सकता है एंड जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा 700 एंड क्लोजिंग अबव 700 नेक्स्ट टारगेट बनेगा 1000। अभी के लिए 700 को टेस्ट करेगा एंड क्लोजिंग अबव 700 प्राइस 1000 लेवल को भी टेस्ट कर सकता है एंड स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर देखने को मिला है एंड स्ट्रॉन्ग बाइंग यहां पे देखने को मिल रहा है फ्रॉम मल्टी और सपोर्ट। अगर अभी हम डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे एग्जैक्टली डेली टाइम फ्रेम में भी नीचे से बाइंग देखने को मिला है फ्रॉम मल्टी और का सपोर्ट, देख सकते हैं प्राइस यहाँ पे टाइम स्पेंड किया उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट किया है एंड जिस टाइप का सेटअप शो कर रहा है लुक्स लाइक आने वाले टाइम में स्टॉक का टारगेट 1000 हो सकता है। देखिए स्टॉक का प्राइस जब भी लाइफ हाई के ऊपर चला जाता है उसके बाद कोई भी सप्लाई डिमांड लेवल अवेलेबल नहीं होता है, वहां पर टारगेट निकालने के लिए हम यूज करते हैं फिबोनाची एक्सटेंशन को। जैसे कि स्टॉक का प्राइस के लिए हाई यहाँ पे बन रहा है 775 का, अगर स्टॉक का प्राइस यहाँ पे 775 के ऊपर चला जाएगा उसके ऊपर कोई भी सप्लाई डिमांड लेवल अवेलेबल नहीं होता है, इसलिए अभी हम यूज करेंगे फिबोनाची एक्सटेंशन का। तो आप पहला टारगेट यहाँ पे रख सकते हैं 770 का जो कि लाइफ हाई है और जो सेकंड टारगेट रख सकते हैं 1.618 फिबोनाची 967 और जो थर्ड टारगेट बनेगा 2.600 फिबोनाची 1280। तो 775, 967 एंड 1280 थर्ड टारगेट बनेगा।
आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। अगर अब हम रास्को चार्ट देखेंगे, रास्को चार्ट भी देखिए उसका मल्टीयर का सपोर्ट से बाउंस कर रहा है। तो यहाँ पे वीआईपी इंडस्ट्री वर्सेस निफ्टी 500 का रास्को चार्ट को ओपन कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे प्राइस एक चैनल को फॉलो कर रहा है, जब भी चैनल का अपर बाउंड्री के आसपास गया है प्राइस को मल्टीपल टाइम अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला है, लोअर बाउंड्री से मल्टीपल टाइम यहाँ पे डिमांड देखने को मिला है। एक्चुअली देखिए जो रेड लाइन था जो कि स्टार्ट हुआ था ईयर 2013 से, उसके बाद देखिए मल्टीपल टाइम प्राइस इस ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट किया है। जब भी प्राइस ट्रेनलाइन के आसपास आया है उसी लेवल से वीआईपी इंडस्ट्री आउट परफॉर्म किया है। एक्चुअल देखिए प्राइस अभी उसका मॉल्टियर का सपोर्ट के आसपास आ गया है, प्रोबेबिलिटी हाई है कि इस लेवल से वीआईपी इंडस्ट्री आउट परफॉर्म कर सकता है निफ्टी 500 को। तो स्टॉक को आपका रडार में रखिएगा, क्वांटिटी को मैनेज कीजिएगा, प्रोबेबिलिटी हाई है कि आने वाले टाइम में कॉन्डिनेशन मूव आ सकता है। मैं आशा करता हूँ अपडेटेड समझ पा रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।